तो 10 से 12 लाख रुपए अगर आपको लहसुन की खेती से जो कमाई करनी है, उसलिए आपको उत्पादन कम से कम 70 से 80 क्विंटल एक एकड़ में उत्पादन वो लेना पड़ेगा। और वो उत्पादन कैसे होगा ये आप हमारे तरीके से जो पूरी डिटेल आप जो बता रहा हूँ आगे, और पहले भी जो लहसुन की वीडियो में बना चुका हूँ पूरी जो डिटेल आपको जो ऐसे ही लूट खाद ऐसे डालने हैं और सारे तरीके जो ऐसे ही अपनाने पड़ेंगे। तो वीडियो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये मैं दिखा रहा हूँ जो लहसुन की फसल है हमारी, ये करीबन 30 से 40 दिन की जो यहाँ पे वो फसल हो चुकी है। और उसमें पहली वीडियो मैंने जो बताया था कि नड़ाई गुड़ाई करके खाद कौन सा डालना है, और अब जो 40 दिन के बाद आपको लहसुन के फसल में जो करना का है, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसा खाद जिसके बारे में जो आपने बहुत ही कमज़ोर सुना होगा, और सबसे बेहतरीन और हाई बूस्ट जो खाद होता है उसके बारे में आप जो शुरुआत में जो आजमाने के लिए उससे थोड़ा ही जो प्रयोग करके आप अपने खेत में सब्जियों में कोई भी फसल उसमें देख सकते हैं कितना जो बेहतरीन वो खाद है, उसका जो पूरी डिटेल है वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कौन सा खाद है। तो ये जो लहसुन की फसल है हमारी 40 दिन की जो फसल ये हो चुकी है, और इसमें जो हमने दो बार नड़ाई गुड़ाई वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुरपी से, और जो हमारा जो देसी जुगाड़ मैंने आपको बताया था ये जो देसी जुगाड़ हमारा है इससे दो बार जो वो नड़ाई गुड़ाई हम जो अपने लहसुन की वो कर चुके हैं। 40 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें लहसुन में लहसुन की पत्तियां सबसे पहले बता दूँ कि बारीक होती हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन की जो एक्स्ट्रा जो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि और जो पत्तियाँ या फसल होती है उनमें जो पत्तियाँ चौड़ी होती है नाइट्रोजन वो पत्तों के द्वारा जो लेती है, लेकिन लहसुन की जो पत्तियाँ बहुत ही कमज़ोर होती है यानी कि बारीक होती है, तो नाइट्रोजन उन्हें जो एक्स्ट्रा वो देना पड़ता है। और ये गलतियाँ सभी की किसान गलती ना करें कि नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा एक साथ ना दें, इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि यूरिया की अगर सबसे ज़्यादा ताकत आपको देखनी है यूरिया की, तो यूरिया वो कम मात्रा में डाल लें, यानी कि एक एकड़ में अगर आपको जो पूरा यूरिया जो पूरी फसल में 50 किलो डालना है तो वो तीन बार जो यूरिया आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने शुरुआत में 10 किलो यूरिया इसमें लगाना था बुआई के टाइम में, DAP और देसी खाद के डाल में पोटास भी डालना था, लेकिन फिलहाल में जो इसका अब इसमें जो दूसरा पानी जो हम लगाएंगे नाले उड़ाई के बाद उसमें करीबन 15 किलो यूरिया जो हम छिड़काव विधि से यहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि नाइट्रोजन जो लगातार लहसुन को मिलता रहे, जो क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कमज़ोर है, इसलिए नाइट्रोजन इसको थोड़ा थोड़ा करके जब यूरिया के द्वारा जो हम देंगे उससे ज़्यादा जो इसमें प्रोग्रेस होगा पौधा अच्छा होगा, और इसकी जो गांठें होती है वो 40 दिन के बाद जो बैठना वो स्टार्ट करती हैं, तो इसमें जो बहुत ही अच्छा जो वो काम करेगा यूरिया। अब गांठ जो अब बैठना जो स्टार्ट हो गई है 40 दिन के बाद, उसमें आपको लेना है करीबन 10 से 12 किलो कैल्शियम, और कैल्शियम किसी भी रूप में ले सकते हैं आप, पानी के साथ भी ले सकते हैं, छिड़काव विधि से भी जो आप जो कैल्शियम वो दे सकते हैं 40 दिन के बाद जो लगाते हैं कैल्शियम भी जो दो बार में लगाते हैं, यानी कि 40 दिन के बाद आपको आधा जो कैल्शियम है वो लगाना है, 7-8 किलो जो कैल्शियम है वो यूरिया के साथ में अभी लगाना है दूसरे पानी पे। उसके बाद जब 70 दिन की जो फसल हो जाएगी उसमें आप 4 या 5 किलो जो आपको कैल्शियम लेना है 10 किलो यूरिया के साथ एक एकड़ में, तो उसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन तो मिल रहा है, उसके बाद जो गांठ जो बैठ रही है कैल्शियम बैठा जो उसको मोटा कर रही है तने को, और गांठ को जो मोटा कर रही है वो लगातार कैल्शियम उसको मिलते रहेंगे। अब इसमें क्या है कि सभी किसान भाई कहते हैं कि यूरिया जो है 40 दिन तक काम करता है, लेकिन 40 दिन के उसमें फ़र्क कितना है कि यानी कि शुरुआत के आप 10 दिन में देख सकते हैं कि यूरिया कितना अच्छा काम कर रहा है, 15 दिन में देख सकते हैं कितना काम कर रहा है, यानी कि 40 दिन तक काम तो करता है लेकिन उसकी जो नाइट्रोजन देने की जो क्षमता है वो बहुत ही 10% ही 40 दिन में जो रह जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो आप जो दूसरे पानी पर तीसरे पानी पर और 4 पानी तक जो लहसुन में आप जो यूरिया की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके जो आप ले सकते हैं, जिससे कि यूरिया बहुत ही अच्छा काम करेगा आपको लहसुन की फसल में। तो यूरिया बहुत ही अच्छी एक नाइट्रोजन स्रोत है बहुत ही अच्छा, तो यूरिया का बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो प्रयोग करें कम मात्रा में। और ये इसकी जो अभी हमने जो 2 निराई बड़ा इसकी जो हो चुकी है, अब इसमें पानी लगेगा और जो खाद पानी मैंने आपको बताया वो डाल लेंगे। तो ये तो होगा 40 दिन के बाद हमको क्या करना है, इसमें अभी 1-2 नड़ाई गुड़ाई जो और करेंगे, खरपतवार अगर ज़्यादा हो रहा है तो नड़ाई गुड़ाई 2 भी कर सकते हैं, कम है तो 1 नड़ाई गुड़ाई तो इसमें ज़रूरी होगी। उसके बाद जो नया और एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है खाद का, सस्ता सबसे सस्ता जो दुनिया का ऑर्गेनिक खाद है वो बताने वाला हूँ आपको, जो कि सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे हाई बूस्ट खाद जो इस टाइम पे है, और आप जो सर्च भी कर सकते हैं कि कैसा वो खाद है, सर्च करने के बाद आप उसको जो बना सकते हैं यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो प्याज की जो फसल है उसका हम यूज़ करने वाले हैं, और नर्सरी में भी हमने जो वही खाद जो लगाया है। अब उसमें जो आपको लेना क्या है, 2 ही आइटम आपको सिर्फ लेने हैं, उसमें आपको 10 किलो शुरुआत में जो टेस्टिंग के लिए आपको 10 किलो आपको जो गोबर खाद लेना है, आप गाय का ले सकते हैं, गाय का अगर गाय का खाद आपके पास नहीं है तो आप जो और भी जो बैल का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं,
और भी कई खाद है देसी वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको 10 किलो खाद लेना है और 200 ग्राम लेना है सुहागा। सुहागे को जो आपको 200 ग्राम जो सुहागा है उसको जो बारीक करना है बिल्कुल बारीक करके, और जो इसमें मिलाना है गोबर में, उसमें मिलाने के बाद आपको जो एक डब्बा लेना है, यानी कि उसको डब्बे में पैक करके पूरा जो ढकना है, ढकने के बाद आपको 45 दिन तक जो मिला के रख दिया है, 45 दिन के बाद जो आपको ढक्कन खोल के और उसका जो प्रयोग करना है बुआई के समय कर सकते हैं, या पानी के साथ जो ऊपर भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो काम करेगा और वो खाद बनेगा ऑर्गेनिक बोरान, जो कि सबसे हाई बूस्ट खाद होता है पौधे के लिए होती हैं, और ऊपर तक जो यानी कि जड़ से लेकर और फलंग तक जो सबसे अच्छा काम करता है बोरान खाद, जो कि DAP भी होता है लेकिन DAP में बहुत ही कम मात्रा में होता है, NPK 0052-34 में भी होता है। बहुत खाद है जिनमें जो बोरान की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो काम करता है उसे आप जो 10 किलो जो मैंने ये इसका प्रयोग आपको करना है पूरे एक एकड़ में, एक एकड़ का पूरा खाद है इसमें 10 किलो खाद लेना है देसी और 200 ग्राम इसको सुहाग लेना है, मिला के 45 दिन तक आपको जो तैयार ये खाद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।